हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग अब पिछली कक्षा में क्या देखे थे, शब्द में पूरा अच्छी प्रकार से हम लोग समाप्त कर लिए थे। हम शुरू कहाँ से किए थे, व्याकरण। व्याकरण में हम लोग क्या शुरू किए थे, तो हमने कहा था कि हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्ण, ठीक है। वर्ण के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे। तो हमने वर्ण को पढ़ा, शब्द को पढ़ा। शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक इत्यादि को हमने क्या किया, पूरा अच्छे प्रकार से पढ़ा था। तो अब हम लोग शब्द से किधर बढ़ेंगे, वाक्य की ओर चलेंगे। किधर चलेंगे भाई साहब, वाक्य की ओर चलेंगे। और हम लोग आज किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे भाई साहब, वाक्य के बारे में, ठीक है। तो देखिए आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों, वाक्य होगा, ठीक है। तो हमने पीछे तक पूरी कक्षा आपको दे दी और उसको पढ़ा भी दिया था, तो हम लोग अब पढ़ने के लिए तैयार हैं वाक्य, ठीक है। आज हम लोगों की कक्षा क्या होगी, वाक्य, या तो कह सकते हैं वाक्य रचना, ठीक है। आज की कक्षा किस पर होगी, या तो कहिए वाक्य, या तो कह सकते हैं वाक्य रचना, वाक्य या वाक्य रचना, ठीक है। पहली बात ये समझिए कि ये वाक्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे कि मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि, ध्यान से सुनिएगा, मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा क्या पढ़ेंगे, इसको कह सकते हैं कि शब्दों या पदों का सार्थक समूह, किसका कहेंगे कि शब्दों या पदों का, इसकी परिभाषा बन जाएगी कि शब्दों या पदों का सार्थक समूह, शब्दों या पदों का सार्थक समूह जिसका जिसका अर्थ प्रकट होता है, जिसका अर्थ प्रकट होता है, जिसका अर्थ प्रकट होता है उसे शब्द न, नहीं उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वाक्य कहते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, हम बताएं कि शब्दों का सार्थक समूह जिसका क्या होता है, अर्थ प्रकट होता है या अर्थ निकलता है, उसे किसके नाम से जाना जाता है, वाक्य के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिए, अब जो होता है यहाँ पर शब्द में अर्थ छिपा होता है। शब्द में क्या होता है, अर्थ। तो अब हमको बताइए कि बहुत ज्यादा जब शब्द मिल जाएंगे तब भी तो अर्थ निकलेगा। तो शब्दों या पदों का सार्थक समूह जिसका अर्थ प्रकट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, वाक्य के नाम से जाना जाता है। या तो इसको कह सकते हैं कि पदों का वह समूह, ध्यान से सुनिए इसके और परिभाषा, कि पदों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, पदों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे वाक्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए पदों का वह समूह जिसे अर्थ, निश्चित अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। चलिए अब वाक्य के बारे में हम लोग देखते हैं कि वाक्य होता क्या है।
वाक्य शब्दों का समूह होता है। इसका मतलब कैसा समूह होता है? शब्दों का समूह। ध्यान से सुनिए, वाक्य क्या होता है मेरे दोस्तों? शब्दों का समूह। कोई व्यक्ति पूछेगा कि कैसा समूह होता है, तो आप लोग बताएंगे सार्थक समूह होता है। कैसा समूह होता है? सार्थक समूह होता है। कैसा समूह होता है दोस्त? सार्थक समूह। इसका मतलब कि आपको शब्द बहुत दिया जाएगा, लेकिन उसका सार्थक समूह बनाना है, ठीक है? यदि आपसे कोई पूछे कि वाक्य में होता क्या है, ठीक है, इसको बताएंगे, उदाहरण बता रहे हैं वाक्य कैसे बनेगा, तो ध्यान से सुनिए। यदि आपसे कोई पूछे कि वाक्य में क्या क्या होता है, तो सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः वाक्य में, ध्यान से सुनिए, सामान्यतः वाक्य में क्या क्या होता है, तो सामान्यतः वाक्य में कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है और कर्म होता है। सामान्य रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, यही तीन ठो होती है, ठीक है? सामान्य रूप से वाक्य में क्या होता है? तो कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, तब इन तीनों से मिलकर वाक्य की रचना होती है। परंतु कुछ जगह कर्म अनुपस्थित होता है, फिर भी वाक्य बन जाता है। ध्यान से सुनिए, पदों का सार्थक समूह या शब्दों का सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है या अर्थ प्रकट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे, दोनों समझिए, एक ऐसा वाक्य बताऊंगा जिसमें कर्म रहेगा और एक ऐसा वाक्य बताऊंगा जिसमें कर्म नहीं रहेगा। देखिए, राम इधर लिख लेते हैं कि एक शब्द सुनिए, राम खाता है, राम खाता है। इस वाक्य में राम क्या है? कर्ता। राम क्या है मेरे दोस्त? कर्ता है। खाता शब्द क्या है? क्रिया है। खाता शब्द क्या है मेरे भैया? क्रिया। राम खाता है, तो राम क्या है? कर्ता। खाता क्या है? क्रिया है। ध्यान से सुनिए, हम कहें कि एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होती है, परंतु कहीं कहीं पर कर्म अनुपस्थित होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म नहीं रहेगा तो वह वाक्य नहीं कहा जाएगा। वाक्य कहा जाएगा, परंतु वाक्य में कर्म नहीं होगा। हम बताएं, शब्दों का सार्थक समूह, ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। चलिए, राम एक शब्द है। राम क्या है? शब्द है। खाता क्या है? शब्द है। खाता और राम दोनों को हमने इस रूप में सजाया कि इससे पता चल रहा है कि राम खाने की क्रिया कर रहा है। राम क्या कर रहा है? खाने की क्रिया कर रहा है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि राम खाता है एक क्या है? वाक्य है। राम खाता है एक क्या है? वाक्य है। परंतु इस वाक्य में कर्म अनुपस्थित है। कर्म क्या है? अनुपस्थित है, कर्म नहीं है। अब देखिए, इसी को मैं बताता हूं कि राम, चलिए अगला वाला सुनिए, राम आम खाता है। राम क्या करता है? आम खाता है। राम क्या करता है? आम खाता है। राम क्या करता है? आम खाता है। तो राम यहाँ पर हो गया कर्ता। राम क्या हो गया? कर्ता। आम क्या हो गया? कर्म। आम क्या हो गया? कर्म। और खाता शब्द क्या हो गया? क्रिया। अब यहाँ पर आपको कर्ता भी मिला, कर्म भी मिला और क्रिया भी मिल गई। अतः कह सकते हैं कि सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। तो इस वाक्य में देखिए, अब यहाँ से दो बात समझिएगा, यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म है। यहाँ पर कर्म आम है, यहाँ पर कर्म का अभाव है, यानी कर्म नहीं है। तो हम बताएं कि शब्दों या पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। आप लोगों को एक शब्द से परेशानी हो रही होगी, पद। पद किसे कहते हैं? तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लेकिन पहले वाक्य की परिभाषा को हम स्पष्ट करते हैं। शब्दों या पदों का सार्थक समूह जिसका अर्थ प्रकट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। चलिए देखिए, हमको मिला था शब्द, खाता शब्द मिला था, आम मिला था, राम मिला था ना। तो अब इसको हमने एक सार्थक क्रम में सजाया, तब राम आम खाता है यह पता चला। परंतु यदि हम कह दें कि है
है आम राम खाता, क्या अब इसका कोई निश्चित अर्थ पता चल रहा है क्या? नहीं, नहीं चल रहा है, अतः यह वाक्य नहीं होगा। जब मैं, देखिए ध्यान से सुनिए, इस वाले में भी है का प्रयोग किया गया है, खाता का प्रयोग किया गया है, आम का प्रयोग किया गया है तथा राम का। इसमें भी मैंने है का प्रयोग किया, आम का प्रयोग किया, राम का प्रयोग किया और खाता का प्रयोग किया, तो यह वाक्य नहीं बना, यह वाक्य बन गया। कारण यह है कि इसमें हमने सार्थक क्रम से नहीं सजाया, इसमें हमने सार्थक क्रम से सजाया। इस कारण ऊपर वाले जो ये है आपका लिखा है, यह वाक्य कहा जाएगा, और जो नीचे वाला है यह वाक्य नहीं कहा जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप लोग जान गए होंगे कि शब्दों या पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक वाक्य में सामान्य रूप से कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। एक वाक्य में सामान्य रूप से क्या क्या होता है, तो कर्ता होता है, कर्म होती है और क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाने का काम करते हैं और इसके बारे में और जानकारी बताते हैं। राम आम खाता है, चाहे तक राम खाता है। इसके बाद और उदाहरण देखिए कि जैसे प्रीति पत्र लिखती है, और उदाहरण इसका लिखने का आप लोग काम करिएगा, और उदाहरण लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चलकर इसी को हम लोग और अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि प्रीति, जैसे लिखे कि पत्र लिखती है, प्रीति पत्र लिखती है, प्रीति क्या करती है, पत्र लिखती है, प्रीति पत्र लिखती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, रवि रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि क्या करता है, मेरे दोस्त पुस्तक पढ़ता है, प्रीति पत्र लिखती है और रवि पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में यहाँ पर प्रीति कर्ता है, प्रीति क्या है, कर्ता है, पत्र कर्म है, पत्र क्या है, कर्म है, जबकि लिखती है यह क्रिया है। हमने इसको सार्थक रूप में सजाया है, इस कारण प्रीति पत्र लिखती है एक आपका क्या बन गया, वाक्य बन गया। ठीक उसी तरह से नीचे वाले शब्द वाक्य शब्दों के समूह में यानी वाक्य में रवि करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है, और ये दोनों प्रीति पत्र लिखती है और रवि पुस्तक पढ़ता है, क्या कहे जाएंगे मेरे दोस्तों, वाक्य कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे दोस्त, वाक्य कहे जाएंगे। ठीक है, यह इस बात का अनुसरण करते हैं, इस कारण ये क्या है, सभी वाक्य है। चलिए हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाक्य के बारे में और देखते हैं कि वाक्य से सटा हुआ या वाक्य से लगा हुआ हम लोग देखते होंगे क्या, पदबंध देखते होंगे, पद देखे होंगे और उपवाक्य देखे होंगे। ठीक है, तो इतना देख लेते हैं हम लोग कि और कहाँ कहाँ पर किसकी किसकी चर्चा करनी है, उसको हम लोग देखेंगे। तो वाक्य में हमने आपको परिभाषा के साथ बताया कि शब्दों या पदों का समूह, शब्दों या पदों का समूह। तो ध्यान से सुनिए, आप लोगों को अभी पढ़ना क्या है, एक बात सुनिए, पद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पद, पद का बांधने, पद के बांधने की क्रिया पदबंध कहलाती है, पद के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है, पदबंध कहलाती है। तथा वाक्य में हमको क्या देखना है, वाक्य में हमको देखना है उपवाक्य, क्या देखना है मेरे दोस्तों, उपवाक्य देखना है। ये तीनों बात हम लोग बाद में देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको अभी देखेंगे तो वाक्य छूट जाएगा और हमारी चर्चा हो कहाँ पर रही है, वाक्य पर हो रही है। तो आप लोगों को पद, पदबंध तथा उपवाक्य हमको क्या करना है, अलग से बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वाक्य। अब वाक्य में हम लोग क्या देखेंगे, तो वाक्य में हमारी अगली हेडिंग होने वाली है कि वाक्य के घटक या अंग। हमारी अगली हेडिंग क्या होगी, तो देखने वाले हैं हम लोग, वाक्य के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं अभी, तो
तो देखेंगे वाक्य के अंग के बारे में, किसके बारे में देखेंगे मेरे दोस्तों, वाक्य के अंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो वाक्य के अंग होंगे यह क्या होते हैं, तो जिन जिन से मिलकर वाक्य बनता है, ध्यान से सुनिए, आप लोग लिख लीजिए कि जिससे मिलकर वाक्य बनता है, लिखिएगा कि जिससे मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, जिससे मिलकर वाक्य बनता है, जिससे मिलकर वाक्य बनता है वही आपका क्या होता है, वाक्य होता है। जिससे मिलकर वाक्य बनता है वही वाक्य के अंग कहे जाते हैं। ठीक है, जिससे जिससे मिलकर वाक्य बनता है वही आपके वाक्य के अंग कहे जाते हैं, और वाक्य के अंग के अंतर्गत क्या क्या आएगा इसको बताएंगे, लेकिन किससे किससे मिलकर वाक्य बनता है यही बात जानना हमारे लिए वाक्य के अंग की जानकारी होगी। यानी जिससे जिससे मिलकर वाक्य बनता है वो जान जाएंगे, तो जान जाएंगे कि वाक्य के अंग क्या है, और वाक्य के अंग दो ठो होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों, वाक्य के अंग दो होते हैं। पहला वाला वाक्य के अंग में रखा जाएगा उद्देश्य, पहला वाला क्या रखा जाएगा मेरे दोस्तों, उद्देश्य रखा जाएगा। दूसरा वाला क्या रखा जाएगा, विधेय। पहला वाला रखा जाएगा उद्देश्य, और दूसरा वाला क्या रखा जाएगा, विधेय। लेकिन किससे किससे मिलकर वाक्य बनता है यह बात जानेंगे, तो वही बात इधर है कि वाक्य के अंग क्या है। तो जिनसे जिनसे मिलकर या जिससे जिससे मिलकर वाक्य की रचना होती है उसे वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के अंग या घटक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, एक का नाम है उद्देश्य, दूसरा का नाम क्या है मेरे दोस्त, विधेय। एक का नाम है उद्देश्य और दूसरा का नाम क्या है मेरे दोस्तों, विधेय। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी अर्जित करनी है कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, यह बहुत अच्छे टॉपिक हो जाएगी, ध्यान से सुनिए। उद्देश्य और विधेय का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, वाक्य में हम लोग पीछे बताए हैं, पीछे अभी इसी के पीछे बताए हैं कि वाक्य में होता क्या है, कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता होता है, और वाक्य में क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, और वाक्य में क्या होती है, क्रिया होती है। कर्ता कर्म और क्रिया से मिलकर किसकी रचना हो जाती है, वाक्य की रचना हो जाती है, आसान सी भाषा में। और हमने बताया कि कर्ता कर्म क्रिया वाक्य के अंग या वाक्य घटक होंगे, लेकिन मुख्य रूप से वाक्य के घटक कितने होते हैं, दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। इसका मतलब ये कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया ये दोनों में बढ़ जाएगा, इसका मतलब यही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होती क्या है, वाक्य में, ध्यान सुनिए, वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके, वाक्य में जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसका मतलब कि पीछे हमने उदाहरण दिया था कि राम आम खाता है, राम क्या करता है, आम खाता है, ध्यान से सुनिए, राम आम खाता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, प्रीति पत्र लिखती है। इन तीनों उदाहरण में, उसमें पहला उदाहरण दिया कि राम आम खाता है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम आम को क्या कर रहा है, खा रहा है। इसका मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में। तो इसका मतलब ये कहें कि उद्देश्य किसे कहते हैं, तो लिखिए और सुनिए भी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसका मतलब कि कर्ता इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि कर्ता के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है, तो कर्ता के अंत, अरे उद्देश्य के अंतर्गत किसे रखा जाता है, सॉरी,
तो उद्देश्य के अंतर्गत आपको रखा जाता है कर्ता को, किसको रखा जाता है कर्ता, कर्ता के बाद किसको रखा जाता है कर्ता का विस्तारक, कर्ता का विस्तारक, जैसे विस्तारक या विस्तार, ठीक है, कर्ता का विस्तारक या कर्ता का विस्तार किसके अंतर्गत आता है तो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनिए, कर्ता का विस्तारक और कर्ता का विस्तार किसके अंतर्गत आता है, उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब कहेंगे कि कर्ता का विस्तारक क्या होता है तो उसको भी बताऊंगा, लेकिन आगे उदाहरण देकर समझाऊंगा। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए, कर्ता का विस्तारक जैसे अब कह दें कि मेरा प्रिय मित्र, ध्यान से सुनिए, मेरा प्रिय मित्र, प्रिय मित्र राम, ठीक है, मेरा प्रिय मित्र राम क्या करता है आम खाता है, मेरा प्रिय मित्र राम आम खाता है। तो अब ये राम तो करता है, लेकिन कर्ता से पहला वहां आई जो बता रहे हैं कि मेरा प्रिय मित्र, ये कर्ता का विस्तारक कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कर्ता का विस्तारक, मतलब कर्ता के बारे में विस्तार से जो जानकारी देता है उसे कर्ता का विस्तारक कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया कि जिसके बारे में, कहां पर वाक्य में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं, ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है कर्ता और कर्ता का विस्तार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विधेय क्या होता है, ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विधेय। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब इसकी परिभाषा विधेय की लिखिएगा कि कर्ता और कर्ता के विस्तारक, ध्यान से सुनिए, कर्ता और कर्ता और कर्ता के विस्तारक, कर्ता और कर्ता के विस्तारक, कर्ता और कर्ता के विस्तारक के बारे में, विस्तारक के बारे में, बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसका मतलब ये समझिए कि कर्ता के बाद जेवन कुछ बच जाए, भैया ध्यान से सुना, कर्ता के बाद और कर्ता के विस्तारक के बाद जितना बच जाए कुल विधेय कहल जाए, ऐसे आसान में कुछ नहीं है। इसका मतलब कि यही राम तक कर्ता हो गया, इसका मतलब राम हो गया उद्देश्य, और यही जितना बच गया ये पूरा क्या कहा जाएगा विधेय कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा दोस्त विधेय कहा जाएगा। समझने का प्रयास करिए, हम बताएं कि कर्ता और कर्ता के विस्तारक के बारे में जेवन बात कहल जाए वह विधेय हो जाए। कैसे, तो राम आम खात, राम तो कुछ काम करत, का कमवा करत, ई बतिया जहाँ पता चल गई वह विधेय कहल जाए। एक मतलब आम खाता है ई हो गया विधेय, अब कौन खाता है राम खाता है, तो राम हो गया उद्देश्य। इसकी और एक परिभाषा बन सकती है क्या कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब विधेय के अंतर्गत क्या क्या आता है तो अब इसको शामिल करिए, यहाँ पर दे दिए कर्ता, इसको दे दिए कर्ता, अब इधर यहाँ बचा क्या कर्म, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं कर्म। तो अब देखिए विधेय के अंतर्गत आता है कर्म, विधेय के अंतर्गत क्या आता है कर्म, कर्म के बाद आता है कर्म का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, कर्म का विस्तारक आता है, चलिए हो गया। इसके बाद आती है आपकी क्रिया, इसके बाद क्या आती है दोस्त क्रिया आती है, क्रिया प्लस क्रिया का विस्तारक, किसका विस्तारक क्रिया
का विस्तारक आता है, क्रिया का विस्तारक आ जाएगा तथा इसके बाद वाक्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है क्या, पूरक। क्या लगाया जाता है, पूरक। पूरक प्लस पूरक का विस्तारक, पूरक प्लस पूरक का विस्तारक। इतनी बात हम लोग किसके अंतर्गत शामिल करेंगे, विधेय के अंतर्गत। ध्यान से सुनिए, कर्ता और कर्ता के बारे में या कर्ता के विस्तारक के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। विधेय के अंतर्गत कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक आदि को शामिल किया जाता है। आदि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये सभी विधेय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, विधेय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, इतना हो गया मेरे दोस्त। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ यदि बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कारण ये है कि ये आपका स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं इसको ऊपर टार दूं नीचे टार दूं। अब इसको मिटाऊंगा, स्क्रीन शॉट बना लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में अब उदाहरण से समझेंगे कि कहाँ पर उद्देश्य है, कहाँ पर विधेय है। अगर उद्देश्य है तो उस उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तारक कहाँ है, अब विधेय है तो कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक कहाँ है। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट बनाइए, हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। हुआ दोस्त, चलिए मिटाते हैं अब भाई साहब। अब आगे हम लोग देखेंगे, उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे उद्देश्य और विधेय के बारे में। मिटा लिए होंगे, अरे उतार लिए होंगे या लिख लिए हैं, चाहे स्क्रीन शॉट मार लिए हैं, तो अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या कि उदाहरण के द्वारा समझने का काम करते हैं। एक एक ठो पूरा अच्छे से समझेंगे कि विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, और कर्म क्या है, कर्म का विस्तारक क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया का विस्तारक, और सब कुछ पूरक, पूरक का विस्तारक बारी बारी से देखने का काम करेंगे। चलिए हम छोटे से उदाहरण से शुरू करते हैं और बड़े उदाहरण तक जाएंगे। देख लेते हैं कि हम शुरू क्या किए थे कि राम खाता है, यहीं से इसको छोड़ दीजिए, उसको तो बता दिए। रवि पत्र, रवि पुस्तक पढ़ता है ना, रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि नाम का लड़का है, अतः कह सकते हैं कि रवि यहाँ पर करता है। रवि क्या है, करता है, पुस्तक कर्म है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया, पढ़ना क्या है, क्रिया। हम बताएं कि सामान्य रूप से एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होनी चाहिए, वह तो आपको दिया गया है। अच्छी बात है, दिया गया। रवि कर्ता है और हम बताए हैं कि कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है, उद्देश्य। इसका मतलब कि रवि यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। रवि यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है, और जितना बच गया यह पूरा क्या है, विधेय है। पूरा क्या है मेरे दोस्त, विधेय है। ठीक है, रवि पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर रवि उद्देश्य है, और पूरा जो बच गया यह क्या कहा जाएगा, विधेय कहा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें और सभी ये बातें हुई कि कर्म क्या है, क्रिया क्या है, ये भी देख लिए हम लोग। चलिए अगला वाला देखिए कि अमृता खाना पका रही है। अमृता लिखिएगा कि अमृता खाना पका रही है, अमृता खाना पका रही है, अमृता खाना पका रही है। अमृता यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगी, खाना कर्म है, पका रही है क्रिया है। तो अमृता उद्देश्य हो जाएगी, अमृता क्या हो जाएगी, उद्देश्य हो जाएगी,
क्योंकि अमृता है क्या, करता है, और जो पूरा बच गया यह क्या कहा जाएगा, विधेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त, विधेय कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला लिख लीजिए। अगला वाला आप लोग लिखिए कि रमेश अखबार पढ़ता है। अगला वाला लिखिए कि रमेश, अगला वाला लिखिए रमेश अखबार पढ़ता है। रमेश क्या करता है, अखबार पढ़ता है। रमेश अखबार पढ़ता है, रमेश अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, पूरा हो जाएगा विधेय। अखबार पढ़ता है यह हो जाएगा विधेय। रमेश क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। रमेश क्या हो जाएगा, उद्देश्य। अब यहाँ तक ये तीनों उदाहरण एक ही तरह का, यानी यहाँ पर रवि करता, यहाँ रमेश करता, और ये अमृता करता है। यहाँ पर पुस्तक कर्म है, खाना कर्म है, अखबार कर्म है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, पकाना क्रिया है। इन तीनों उदाहरणों में कर्ता, कर्म और क्रिया का समावेश था। ठीक है, अब तनि से आगे बढ़ने का काम करते हैं और विस्तारक के बारे में चर्चा करते हैं। किसके किसके विस्तारक में, तो सबको बारी बारी से देखा जाएगा, एक व्यक्ति को छोड़ा भी नहीं जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला। देखिए कि मेरा मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय मित्र अजीत, मेरा प्रिय मित्र अजीत धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है। मेरा प्रिय मित्र अजीत धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है। मेरा प्रिय मित्र अजीत धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है। अब ध्यान से सुनिए, पहले हम ये छाटें कि कर्ता कर्म क्रिया क्या है, फिर इसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा प्रिय मित्र अजीत है, अजीत को पहले छाटिए। अजीत यहाँ पर क्या होगा, तो अजीत यहाँ पर होगा कर्ता। अजीत क्या होगा, कर्ता। पढ़ता है यह क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया। अजीत ग्रंथ पढ़ता है, वाक्य यदि इतना बनाऊं कि अजीत ग्रंथ पढ़ता है, इसमें अजीत कर्ता हो गया, पढ़ता है क्रिया, तो ये ग्रंथ शब्द क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ग्रंथ शब्द क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इसमें समझने वाली बात क्या आ गई कि हम बताए हैं कि जो कर्ता के बारे में बताए वो कर्ता का विस्तारक होता है, तो मेरा प्रिय मित्र ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे मेरे दोस्तों कर्ता का विस्तारक। इसको क्या कहेंगे, कर्ता का विस्तारक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कर्ता का विस्तारक। इसका मतलब ही कि अजीत के बारे में, यानी कर्ता के बारे में जो बात कही गई है वह तो उधर है, लेकिन कर्ता के बारे में विस्तार कर रहा है एगो लड़का कि वो मेरा प्रिय मित्र है। ठीक है, तो ग्रंथ कैसी है, धार्मिक, तो धार्मिक शब्द क्या हो जाएगा, ये कर्म का विस्तार कर रहा है। किसका विस्तार, कर्म का विस्तारक है। ये क्या कहा जाएगा, कर्म का विस्तारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, कर्म का विस्तारक। अब समझिए, अब समझना क्या है कि अब कहेंगे कि सर जी इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो हम बताए हैं कि कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहा जाता है, तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या होता है, उद्देश्य, और कर्म, कर्म का विस्तारक क्रिया। ये सभी आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, विधेय के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों, विधेय के। कर्ता और कर्ता का विस्तारक हो गया उद्देश्य, यानी मेरा प्रिय मित्र अजीत उद्देश्य हो गया, धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है ये क्या हो गया, विधेय हो गया,
इसमें भी पढ़ता है, क्रिया हो गया, ग्रंथ कर्म हो गया, धार्मिक कर्म का विस्तारक हो गया, अजीत कर्ता हो गया, मेरा प्रिय मित्र कर्ता का विस्तारक हो गया। ठीक है, तो अब आगे हम लोग और उदाहरण समझते हैं। अगला वाला इसको मिटाएं, आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाने का काम करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला वाला उदाहरण लिखिएगा आप लोग, हो गया स्क्रीनशॉट बनाइए जल्दी से, हो गया ना। चलिए अगला वाला उदाहरण लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मेरा प्रिय मित्र अजीत धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, इसको हम लोग समझें। अगला वाला लिखिए थोड़ा सा और ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आगरा का ताजमहल, ध्यान से सुनिए, आगरा का ताजमहल ना लिखिएगा, आगरा आगरा का ताजमहल, आगरा का ताज महल दर्शनीय स्थल है, आगरा का ताजमहल अत्यंत सुंदर है, ऐसे लिखे, आगरा का ताजमहल अत्यंत सुंदर है, आगरा का ताजमहल अत्यंत सुंदर है, आगरा का ताजमहल अत्यंत सुंदर है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ये ताजमहल शब्द क्या है। ताजमहल आपका हो गया कर्ता, क्या हो गया कर्ता। ठीक है, ताजमहल का हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, और ये आगरा का ये हो जाएगा कर्ता का विस्तारक, कर्ता का विस्तारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कर्ता का विस्तारक, आगरा का विस्तारक कर्ता का, ताजमहल कर्ता, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। ठीक है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। अब सुनिए, अत्यंत सुंदर है ये क्या हो जाएगा, इसके आगे लिख लीजिए अत्यंत सुंदर है, तो अगर इतना रहता तब ये हो जाता है, सुंदर शब्द क्या हो जाता, सुंदर, तो सुंदर शब्द हो जाता पूरक, सुंदर शब्द क्या हो जाता पूरक, और अत्यंत हो जाता पूरक का विस्तारक, पूरक का विस्तारक, ध्यान से सुनिए, पूरक का क्या हो जाता मेरे दोस्त, विस्तारक हो जाता। अब इसी में और टेंस बढ़ाने का काम करता हूं कि आगरा का ताजमहल, लिखिएगा फिर से ध्यान से सुनिए, लिखिए चाहे मत लिखिए, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताज महल अत्यंत सुंदर स्थल है, अत्यंत अत्यंत आगरा का ताजमहल अत्यंत सुंदर स्थल है, आगरा का ताजमहल अत्यंत सुंदर स्थल है। चलिए अब तो यहाँ तक आपको पता है कि ये ताजमहल आपका क्या है, करता है, ऊपर देखिए आगरा का ये शब्द क्या है, कर्ता का विस्तारक है, अत्यंत सुंदर है। अब यहीं पर बदल जाएगा, सुंदर केवल था पूरक था, अत्यंत क्या था पूरक का विस्तारक, लेकिन यहाँ पर स्थल क्या हो जाएगा पूरक हो जाएगा, यहाँ पर स्थल पूरक हो जाएगा, अत्यंत सुंदर शब्द क्या हो जाएगा पूरक का विस्तारक हो जाएगा। इसका मतलब ये अब समझिए, आपसे पूछा गया है खाली उद्देश्य और विधेय, तो उद्देश्य और विधेय में क्या क्या आएगा, तो आगरा का ताजमहल दोनों वाक्यों में, ध्यान से सुनिए, आगरा का ताजमहल दोनों वाक्यों में उद्देश्य है, क्या है मेरे दोस्तों, दोनों वाक्यों में उद्देश्य है, परंतु इसके बाद अत्यंत सुंदर है और ये अत्यंत सुंदर स्थल है, ये सभी क्या हो जाएंगे दोनों वाक्यों में विधेय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे विधेय हो जाएंगे। जल्दी से इसको मिटाने का काम करिए, अरे इसके साथ बनाइए, मिटा रहे हैं, आगे हम लोग लिखते हैं, अगला उदाहरण समझते हैं और समझेंगे क्या हो जाएगा अगला उदाहरण, उसको देखने का काम करते हैं
मेरे पड़ोस की लड़की, लिखिएगा। मेरे मेरे पड़ोस की लड़की, मेरे पड़ोस की लड़की, मेरे पड़ोस की लड़की आलू मटर की सब्जी, आलू मटर, मेरे पड़ोस की लड़की आलू मटर की सब्जी, मेरे पड़ोस की लड़की आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी पकाती है, बहुत अच्छी पकाती है, मेरे पड़ोस की लड़की आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी पकाती है। अब ये पूरा वाक्य है, अब इसमें हमको पूरा मिल जाएगा, पूरा देखने का काम करिए, कुछ नहीं छूटेगा, अब हम लोग पूरा देखेंगे। चलिए, मेरे पड़ोस की लड़की, मेरे पड़ोस की ये हैं भाई साहेब, करता का विस्तारक है, करता का विस्तारक, ई का है कर्ता का विस्तारक है, और ये आई लड़किया का है खाली भर करता, लड़की का है करता, सब्जी 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 कर्म, सब्जी क्या है कर्म है, पकाती है क्या मेरे दोस्तों, क्रिया है, पकाती है, इका है क्रिया। लेकिन अब आप लोग तनिक छांटने का काम करिए कि हाई हाई जो बच गया छोटा है ये क्या क्या होगा, ठीक है? तो अब इसको हम लोग देखने का काम करते हैं, जल्दी से देखिए। मेरे पड़ोस की कर्ता का विस्तारक, लड़की कर्ता, सब्जी कर्म, पकाती है क्रिया, कैसी पकाती है, बहुत अच्छी, तो ये बहुत अच्छी शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्रिया का विस्तारक हो जाएगा, परंतु आलू मटर की कर्म का विस्तारक क्या हो जाएगा, कर्म का विस्तारक हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्म का विस्तारक। अतः इस समय आप लोगों को उद्देश्य और विधेय बताना है, तो मेरे पड़ोस की लड़की इस वाक्य में उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, जबकि आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी पकाती है यह पूरा विधेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हाई जो बचा, मेरे पड़ोस की लड़की उद्देश्य आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी पकाती है, यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपका बन जाएगा विधेय, पूरा हो गया समाप्त। इतना हम लोग, आशा करता हूं कि आप लोग इससे बहुत अच्छे प्रकार से समझ लिए होंगे। तो हम लोग जब अगले दिन मिलेंगे तो अगली कक्षा में इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त? तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।